वित्त वर्ष 2019 का बजट पेश होने से पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने बजट में शामिल करने के लिए सरकार को 6 प्रस्ताव दिए हैं। ये सारे प्रस्ताव वित्तीय बाजार से जुड़े हैं। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2019 का बजट पेश होने वाला है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने इस साल के बजट में 4 मुख्य क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद जताई है। इनमें निवेश, रोजगार, कृषि और कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। CII ने अपने एक प्रेस रिलीज में 6 बिंदुओं को बजट में शामिल करने की सरकार से गुजारिश भी की है। इनमें पहला, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को 15% से घटाकर 10% करना है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या DDT वो टैक्स होता है जो कंपनियां शेयर होल्डर को बांटे गए डिविडेंड पर देती है। दूसरा प्रस्ताव, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs को बढ़ावा देना है। AIFs को बढ़ावा देने से सरकार के पास विकास कार्य में इस्तेमाल होने वाली पूंजी में बढ़त आएगी। तीसरा प्रस्ताव है कि जो छूट कंपनियों को वेंचर कैपिटल फंड के बदले शेयर जारी करने में मिलती है, वही छूट AIFs के बदले जारी किए गए शेयरों पर भी मिलनी चाहिए। चौथा प्रस्ताव फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में है। इसके तहत विथहोल्डिंग टैक्स अभी 5% है, जिसे 20% से घटाया गया था और इसकी समय सीमा जून 2020 तक तय की गई थी। CII का प्रस्ताव है कि विथहोल्डिंग टैक्स को हमेशा के लिए 5% ही कर दिया जाए। पांचवा प्रस्ताव है कि लॉन्ग टर्म गेन वाले डेट म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया जाए, ताकि ये इक्विटी बाजार के साथ कदम मिला सके। छठा प्रस्ताव है कि नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NSCCL से लिए गए कर्ज को आमदनी समझकर इनकम टैक्स न लगाया जाए, जो अभी लगाया जा रहा है। ये सारी मांगें वित्तीय बाजार से जुड़ी हैं और इस साल का वित्तीय घाटा ज्यादा होने और लगभग 1/3 कंपनियों के घाटे में जाने के बाद कुछ बड़ी कंपनियों की भी यही मांगे हैं। CII ने ये साफ नहीं किया है कि इन मांगों को लागू करने से सरकार को टैक्स का कितना नुकसान होगा। सम्राट शर्मा, Go News।